What kind of head would you try to bond with to become stable and why? वेरी गुड तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर को हम बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए और अगर हम इनके विलंस की बात करें तो हमारे पास सोडियम के वेलेंसल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरिन के, के वेलेंसल के अंदर हमारे पास सेवन इलेक्ट्रॉन है अब मुझे बताइए कि ये दोनों एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे वेरी गुड तो इसी आंसर को हम दोबारा वेरीफाई करेंगे बट बिफोर वेरीफाइंग द आंसर वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द टर्म दैट इज शेल तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉट इज मेंट बाय द टर्म वेलेंस शेल डियर स्टूडेंट्स शेल हमारे पास किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है एनी एलिमेंट ऑफ एनी एटम इज टर्म्ड shell. फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लोरीन की आ, मिसाल ली है तो हमारे पास क्लोरीन के विलेंस शेल में इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कह सकते हैं कि valence शेल ऑफ क्लोरीन हैज सेवन इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज को फॉलो करेगा या तो इन ऑर्डर टू अचीविंग ऑक्टेट रूल या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या तो पॉसिबिलिटी टू के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से विड्रॉ करेगा अपने अंदर से एक्सक्लूड कर देगा और इन दोनों पॉसिबिलिटीज को आ, आ, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को अचीव करके हमारे पास एटम खुद को स्टेबल कर सकता है अगर हम बात करें क्लोरीन की सोडियम की और क्लोरीन की तो सोडियम के पास चूंकि ग्यारह इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास चूंकि सेवेंटीन इलेक्ट्रॉन हैं और अगर हमने इनके विलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की तो अकॉर्डिंग टू द विलेंस

सी टर्म को हम कहते हैं विलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा नंबर जो कि गेन किया जाए लॉस किया किया जाए या किया जाए या शेयर ताकि कोई एटम खुद को स्टेबल कर सके अपने आप को स्टेबलाइज कर सके इस टर्म को हम नाम देते हैं विलेंसी का और हमारे पास जब भी किसी एटम के विलेंस शेल कंप्लीट होंगे ट्रिपलेट रोल के मुताबिक तो वो खुद को स्टेबल कह सकता है एंड एटम इज हैप्पी बिकॉज इट बिकम्स इसको बेहतर तरीके से हम समझते हैं एक सिमुलेशन की मदद से बट बिफोर स्टार्टिंग द सिमुलेशन हम देखेंगे कि वेलेंसी को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं याद रखिए कि हमारे पास हम दो साइंस का इस्तेमाल करते हैं द फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव वेयर एज द सेकंड साइन इज नेगेटिव वन हमारे पास ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो कौन सा साइन लेगा पॉजिटिव और ऐसा एटम जो के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन की मदद से और इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है सोडियम की जिसमें हमने देखा अपनी एक एग्जांपल के जरिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सो दिलेंसी ऑफ सोडियम इज वन प्लस इसी तरह हमारे पास अगर टेबल के अंदर कुछ फर्दर एग्जांपल्स को देखें तो की टू है, इसी क्लोरीन की वन है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस हेल्प ऑफ हियर इज द लिंक ऑफ द सिम्बुलेशन यू कैन इजीली ओपन दिस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सो

इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए अपने विरंस शेल को जिसमें सात इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीट करेगा के मुताबिक और खुद को स्टेबलाइज़ करेगा अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही सोडियम का हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया दोनों ने खुद को स्टेबलाइज किया और सोडियम ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया इसी तरह क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उसके उसको हमने रिप्रेजेंट किया माइनस चार्ज के जरिए इसी तरह यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आप इन एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करते हुए इस सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ अपने लेक्चर को समराइज करते हैं आज के लेक्चर के ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में गिवेस्ट

वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि आपने इसको, इसको कर लिया होगा शेल्स so, है।, है, है और नीचे आपके पास टू क्वेश्चन है तो आप अपनी इसी प्रोडिक्टेबल की मदद से विद्प ऑफ दिसन एलिमेंट टेल दसी एंड आंसर द क्वेश्चन सपोज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस एक्टिविटी शीट वेरी गुड नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने समअप की तरफ आज के लेक्चर के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को स्टडी किया दैट इज वैलेंसी और हमने कहा कि वैलेंसी बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेंस लॉसेस और शेयर टू मेक इट्स स्टेबल डॉल मोर हमने इस टर्म को नाम दिया विलेंसी का और हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की जब बात की तो हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बताएंगे तो हम उसको पॉजिटिव साइन के जरिए शो करेंगे जबकि अगर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय अ नेगेटिव साइन फर्दर मोर वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सोडियम लॉस वन इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन द वैलेंसी ऑफ वन वेयर आर एज क्लोरीन गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन द वैलेंसी ऑफ वन माइनस आप देख सकते हैं कि हमने इसको चार्जेस की मदद से रिप्रेजेंट किया है नाउ अब इसी नॉलेज uh, को अप्लाई करते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे दैट इज योर होमवर्क और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा मुझे उम्मीद है कि आप आई आप अपलाइंग नॉलेज यू कैन इजिली सॉल्व दिस टास्क फर्दर मोर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने फ, आ, लेसन को यहीं से प्रोसीड करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट आइन्स इसको डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा इन अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड